हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल। गुरुजी, मैं सहवाज, आर्किटेक्ट ट्रेनर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम टेक्स्ट ओरिएंटेशन कैसे चेंज करते हैं और स्पेलिंग कैसे चेक करते हैं। जैसे कोई गलती से हमको स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या फिर नहीं आती है, तो उसको कैसे चेक करते हैं, ऑटो करेक्ट कैसे करते हैं, तो वो देखेंगे हम। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ओके, तो ये मेरा ऑटो कैड का टेम्पलेट। जैसे मैंने बोला कि टेक्स्ट ओरिएंटेशन चेंज करना है, मतलब कि टेक्स्ट का जो रोटेशन है, लाइक ये हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, मान लो मुझे इसे वर्टिकली चाहिए था, कुछ इस तरह से लिखना था, तो उसको कैसे करेंगे। तो एक तो जैसे आप लोग बोलोगे रोटेट कमांड यूज कर लेंगे, बात सही है, रोटेट कमांड हम यूज कर लेंगे, बट उसमें क्या है, कमांड डालेंगे, बेस पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, प्लस ऑर्थो ऑन होना चाहिए। इसका शॉर्ट की सिंपल है टेक्स्ट ओरिएंटेशन का, जिसका शॉर्ट की है TORI, एंटर किया और क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर, और मुझे देखो सिंपली एक लेफ्ट क्लिक करूंगा कहीं पर भी ना, ये मेरा दूसरा वाला जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, वो कहाँ जा रहा है, वर्टिकल जा रहा है ना, तो देखो क्या होगा, वर्टिकल हो जाएगा, मेरा टेक्स्ट ओरिएंटेशन चेंज हो चुका है। और चेंज भी होगा ना तो उसी बेस पॉइंट से रोटेट होगा, राइट, जहाँ से मैंने फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया रहूँगा ना, उसी पॉइंट से वो क्या होगा, इसका रोटेशन होगा। अब जैसे इसे हॉरिजॉन्टल करना है तो TORI, राइट, एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, पहला पॉइंट यहाँ दे रहा हूँ, दूसरा पॉइंट यहाँ दे रहा हूँ, हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल। वापस से TORI, एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ दे रहा हूँ, यहाँ दे रहा हूँ, यहाँ दिया और कुछ ऊपर दिया, तो ऊपर दूंगा तो देखो किस तरह से ये वर्टिकल होगा, इस तरह से वर्टिकल होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये सिविल गुरुजी जैसे ये एप्पल लिखा हुआ है, इंजीनियर लिखा हुआ है, उस तरह से हो जाए, तो TORI, एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, पहला और दूसरा मुझे कहाँ देना पड़ेगा, राइट साइड में, मैं राइट साइड दूंगा ना तब ये मुझे इस तरह से दिखेगा। अगर वही मैं लेफ्ट साइड दे देता, जैसे कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, TORI, एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, पहला पॉइंट इधर दिया और दूसरा पॉइंट मैं लेफ्ट दे रहा हूँ, तो ये नीचे के उल्टा हो जाएगा, देखो उल्टा हो गया, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, कैसे रखना है, कुछ इस तरह से हम टेक्स्ट ओरिएंटेशन चेंज करते हैं। ओके, मैं इसको सही से कर दे रहा हूँ। अब देखते हैं स्पेलिंग चेक। जैसे मैंने यहाँ पे दो लिखा हुआ है, एक एप्पल जिसका भी स्पेलिंग गलत है और दूसरा इंजीनियर, इसका भी स्पेलिंग गलत है, तो इसको चेक कैसे करते हैं ऑटो कैड में, वो देखते हैं। जिसका शॉर्ट की होता है SP, सिंपल SP, एंटर किया, एंटर। अब एंटर करने से पहले मैंने एक गलती कर दी, एंटर करने से पहले आपको जिसका स्पेलिंग चेक करना है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो एप्पल का स्पेलिंग मुझे चेक करना है, सेलेक्ट किया, देन SP एंटर करूँगा मैं, SP एंटर किया, तो देखो यहाँ पे बता देगा, भाई साहब आपकी जो एप्पल की स्पेलिंग है ब्लू, वो ब्लू हाईलाइटेड होके आ जाएगा, और यहाँ पे आपको सजेशन में भी दिखाएगा कि भाई ये होगा आपका एप्पल का स्पेलिंग, आपने ये लिखा हुआ है बट होगा ये, राइट। तो इसको क्या करना है, सिंपली ऐसे सेलेक्ट करना है और कर देना है चेंज, और कर देना है ओके, देन क्लोज, ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। मुझे टेक्स्ट एडिट में जाके एडिट नहीं करना पड़ रहा है, राइट। जैसे ये इंजीनियर लिखा हुआ है मैंने, इसका भी स्पेलिंग गलत है, इसको भी क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, SP एंटर किया, देखो इंजीनियर का स्पेलिंग बता, ब्लू हाईलाइटेड होगा यहाँ पे कि भाई साहब ये आपका स्पेलिंग होगा, आपने गलत लिखा हुआ है, या फिर यहाँ सजेशन में भी आप देख सकते हैं कि सजेशन में भी बता देगा। इसको अप्लाई करना है तो वही इस पर क्लिक करना है और क्या कर देना है, चेंज कर देना है। चेंज पे एक बार क्लिक करोगे चेंज हो जाएगा, देखो स्पेलिंग चेक कंप्लीट का एक मैसेज आया, मतलब मेरा स्पेलिंग चेक कंप्लीट था वो हो चुका है और ऑटो करेक्ट भी हो चुका है, कहाँ से, इस चेंज पे जाके मैंने किया, और वापस से क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। देखो मेरा इंजीनियर का स्पेलिंग भी क्या हो गया, सही हो गया। तो कुछ इस तरह से हम स्पेलिंग चेक करते हैं और अपने टेक्स्ट को रोटेट करते हैं अपने हिसाब से। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।